चल 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 जा, अभी अभी बहुत तेज हो रही है, अभी अभी नहा ले फटाफट, चप्पल निकालो चप्पल, वरना फिसल जाओगे बुरी तरीके से। मजा आ रहा है? अच्छा गाइस देखिए बड़े मजे कर रहे हैं डीनो। अरे लेट लेट के ना, लेट लेट के, हाँ सच में। उधर जा, उधर पानी है बहुत सारा, उधर 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 उधर, लेट जा लेट जा, जमीन पे लेट जा। ये असली मजे हैं आपके। हाँ नाले 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 नाले, चोट मत लगा लेना बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरे और डीनो की तरह। देखिए कितनी मस्ती कर रहा है बारिश में। आज माँ बेटे फाइनली बारिश में मज़े करने आ ही गए ऊपर, क्योंकि आगरा में बहुत टाइम के बाद बारिश हुई है। इधर ना, इधर इस तरफ। ठीक है, जाओ चलो जाओ जाओ। बेटू ये बाल्टी यहाँ क्यों फेंक दी आपने? गाइज यहाँ देखिए डीनो एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ देखिए दूर छत पे कुछ लोग बारिश में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस हम नहीं एंजॉय कर रहे हैं। हाँ देखो उधर देखो, कुछ अंकल लोग नहा रहे हैं, वो देखो दिखाई दे रहा है? अरे उधर देख, छत पे, छत पे दूर उधर आई नजर। अरे छोड़ो उन्हें यार, तुम एंजॉय करो। हाँ हाँ हाँ, यू एंजॉय यार। वैसे ही बंद होने वाली है बारिश, थोड़ा बहुत लौट लो, और भी लौटना है जो। हाँ ग्राउंड में, हाँ सब ग्राउंड में जा रहा है। चलो आप नहा लो फटाफट और हाँ एंजॉय कर लो। और हाँ अगर बाल्टी से ही नहाना है तो नीचे चलो फिर। ये देखो कितनी साफ सुथरी बाल्टी से नहा रहे हैं, वाह वाह वाह। अरे यार बेटू ये गंदी बाल्टी है भैया, अगर आपको ऐसे ही नहाना है तो नीचे चलो फिर, बाथरूम में नहाओ चल के। छतों पे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो ये काफी हो जो बाल्टी से नहा रहे हो, ये देखो सब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, देखो देखो प्रे कर रहे हैं वो लोग। हाँ ऐसे छपक छपक करो, छपक छपक। गाइज आज काफी बारिश हो रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं छतों पे अपनी अपनी। गाइज ये देखिए यहाँ पे गंगा जमुना बह रही है, यहाँ बेटे बारिश, ये देखिए यहाँ पे भी लोग छत पे नहा रहे हैं। हैं बेटे? अच्छा ये एक ऐसा झरना है। गाइज हम यहाँ पे छतों पे लोगों को कैप्चर करने आए थे, पर अभी हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा है। यहाँ सिर्फ एक आप ही है जिसको एंजॉयमेंट पसंद है लग रहा है, बाकी सब सुस्त लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहीं चलो, वहीं चलो, चल 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 चल, गिर मत जाना, ये बहुत फिसलने वाली जगह है। चलो चल चल, धीरे धीरे धीरे, डोंट रन, एक दिन गिरे थे याद करो। गाइज आजकल इन पेड़ों को खूब हरियाली मिल रही है, पानी मिल रहा है, इन्हें देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुश है ना। हाँ क्या कर रही प्यारू, अच्छा लग रहा है? गाइज देखिए कितने मजे कर रहा है, इतना खुश है ना कुछ बोल रहा है आके मेरे को। गाइज मम्मी भी ऊपर आ चुकी हैं, ये कुछ दाल वगैरह क्लीन कर रही हैं, और डीनो वहाँ लगा पड़ा। मम्मी इसको देख देख के मेरा ही मन चल रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। नहा लूँ ऐसा ना हो मैं घुसूँ और बंद हो जाए बारिश। डीनो हम आ रहे हैं। अरे
गाइस आज तो खूब पागलपंती हो रही है मेरे और बेटू की। मेरे अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा आ गया है। वैसे भी मेरे अंदर ऑल द टाइम एक बचपना ही रहता है, और इस वीडियो के बाद तो और ज़्यादा दिखाई देगा। तो गाइस ये बेटू मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा सही तो है। अभी टाइम हो रहा है 2 के करीब और बारिश अभी रुक नहीं रही है। ये देखिए मेरी नेल पेंट निकल रही है और निकल भी नहीं रही है। अब मुझे इसको थिनर से साफ करना पड़ेगा। तो मम्मी तो सोने चली गई है, पापा तो पहले ही सो रहे थे। वो डायरेक्ट लंच कर लेते हैं ना, तो फिर सो जाते हैं लंच करके। वो लंच कर लेते हैं 1 बजे तक, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं इसलिए। तो मम्मी भी गई सोने के लिए, और ये मेरे को तो ठंड लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं उतर के आई नीचे। मैंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी, और इनको डीनो को दूध दिया। तो अपना दूध पी के ये देखे सो रहे हैं। ये देखो तो इनकी अम्मा ने ये उड़ा दिया, इनके बाबा का। ये पूजा पाठ पापा करते हैं ना, तो इसे पहन के करते हैं, तो वो यहाँ रखा था, मम्मी ने वही उड़ा दिया। और मैं तो देखो कंबल ओढ़ के बैठी हूँ, मुझे इतनी ठंड लगती है। और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, उनका आने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो आएंगे उन्हें खाना वगैरह खिला दूँ, उसके बाद ही फिर मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत नींद आ रही है। वैसे बेटू कभी नहीं सोता इतने टाइम, लेकिन अभी इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि मैं उसके सर पर बात कर रही हूँ लेकिन वो जग नहीं रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। तो गाइज़ अभी हम पति देव का करेंगे इंतज़ार, फिर जब वो आएंगे तब लंच करेंगे वो। मैं तो नहीं करूँगी बिकॉज़ मेरे लायक कुछ है नहीं खाने लायक। मैंने मूंग दाल मम्मी ने बनाई थी ना, तो बिना तड़के की दाल में खा लेती हूँ, उसमें तड़का नहीं लगता है ना। अरहर की दाल मेरे को स्मेल लगती है, पर मूंग दाल में कम लगती है। तो मैंने एक कटोरा भर के पी लिया है, तो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो गया है, क्योंकि मैंने चाय 2 बार पी ली है आज, तो ठीक ही है इतना। वैसे भी अभी पतिदेव 3:30 से पहले तो आने नहीं वाले, तो ऐसे सो भी सकते हैं। और अभी डीनो भी सो रहा है, सोते हुए बड़े क्यूट लगते हैं। वैसे रात को सोते हैं तो मैं इनको देख नहीं पाती क्योंकि मैं भी सो रही होती हूँ, पर अब ये मेरे सामने सो रहे हैं और ये कभी दोपहर में सोते नहीं हैं, तो आज ये पहली बार सोए हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे कम से कम इनकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, वरना ये रेस्ट बिल्कुल नहीं करता है। तो चलिए गाइज मिलूँगी शाम को। और गाइज 6 बज गए, हस्बैंड आए हैं चाय पीने के लिए, तो मैं और मम्मी तो पी चुके थे, तो मैंने उनके लिए भी दोबारा से चाय बनाने रख दी है। और मैं अपने लिए मंगोड़े बना रही हूँ, मतलब क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल फूड खाते रहते हैं लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बस गांव वाला मसाला इसमें थोड़ा डाल दिया है और ग्रीन चिली काट दी है। और बस इसको मिक्स करके अच्छे से ऐसे ही तलूंगी मैं नॉर्मल, और कुछ इसमें फलाना ढिकाना नहीं डाला है मैंने। तो बस सरसों के तेल में इसको तल लेंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों मूँग दाल में थोड़ी सी कम स्मेल आ रही है, तो मैंने इसका थोड़ा बना लिया। और गाइस मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया का कोरोना तो कम से कम 3री लहर जब तक नहीं आ रही है तब तक तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा कोरोना पता नहीं कब ख़त्म होगा। जो मेरी ये नॉर्मल स्मेल वगैरह का चक्कर है सही होगा, तो मैं खाना खा पाऊँगी बाकी लोगों की तरह। गाइज हमने बनाए हैं मंगोड़े पकोड़े या जो भी कह लो, वैसे मूंग दाल के मंगोड़े होते हैं ना, है ना अम्मी? बेसन के पकोड़े होते हैं ना। तो गाइज अस्सी बहुत ज्यादा स्मेल झेल रहे थे, लेकिन अभी पतिदेव के लिए थोड़े से बना दिए हैं, अब मेरे लिए मम्मी बना रही हैं। और वाह खा के देखो, चाय ठंडी हो जाएगी वरना गर्म है यार बहुत। अरे वो पकोड़े तो ठंडे हो गए होंगे अब तक, लाओ मैं एक बार सब्सक्राइबर्स को खिला दूं। गाइस आप चाहें तो इसको चटनी से भी खा सकते हैं और उससे भी खा सकते हैं, क्या बोलते हैं सॉस के साथ, लेकिन मुझे सॉस से स्मेल आती है तो मैं नहीं खाती, चटनी के साथ भी नहीं खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे खाली। ढेर सारी मैंने इसमें मिर्च डाली है, ढेर सारी मिर्च डाली है, अच्छी लगती है मेरे को, थोड़ा चटपटा हो जाएगा मामला। माइनक्राफ्ट के चक्कर में वायरस मत डाउनलोड कर लेना, ध्यान रखना। मैंने लिखा क्या है आपको दिख नहीं रहा है? आप ही देखो, मैंने जब भी लिखा भी है। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है, वही गांव वाला नमक यूज किया है, वरना मुझे अच्छे नहीं लगते। तो गाइज
अभी ये वाले तो इनको खाने देते हैं, मेरे बन रहे हैं अभी, फिर मैं खाऊंगी। बेटो ट्राई करके देखो, अच्छे हैं। ओ बा, फोन चार्ज करते करते चलाना गलत बात है बा। तुम बेटू को क्या सिखाओगे फिर? ये गलत संस्कार, ये संस्कार है कि फोन चार्जिंग पे लगा के चलाना है? नहीं, फिर भी ये गलत चीज है ना, चार्जिंग पे लगा के करते नहीं ना यूज। बड़े क्रिस्पी बने, कैसे लग रहे? टेस्टी। चाय के बड़ा अच्छे अच्छे, चाय में चीनी वर्सल ज्यादा ना हो गई हो? नहीं नहीं, सही है। रख दी भगवान जी के लिए। गाइस, भगवान जी को मम्मी ने भोग लगा दिया है, और क्योंकि इवनिंग में कुछ भी बनता है ना तो भोग जरूर लगाया जाता है, और मम्मी लगाती हैं, तो अब हम खा सकते हैं, तो ऐसे अब खा रहे हैं। थोड़ा क्रिस्पी चाहिए। तो इसमें भी रही है मेरे को स्मेल, बट वही है, क्या करूं, पेट भरना है। मैंने ढंग से लंच नहीं किया है, कुछ मिला नहीं खाने को, सिर्फ मूंग दाल खाई है मैंने। आज पूरा दिन मूंग ही दाल हो रहा है मेरे लिए। तो लंच में मैंने खाई मूंग दाल, तुझे अच्छा लग रहा है? इवनिंग स्नैक में खा रहे हैं मूंग दाल की मंगोड़े, रात में भी खाऊंगी मूंग दाल। ये कौन खाएगा? किसके लिए बनाया मम्मा ने? डीनो के लिए। किससे खाओगे बता? पिंगी पांग। गरम है? गरम है। बस क्या और डालू? नहीं, बस 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 खाओ। होता इसको गोगा बीगा। गोगा बीगा क्या होता है? खिला दिखा, दूर 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 से, दूर से है ना क्रंची? कैसा लगा? सी, मैं तो पहले बोला था, आप ही हो ना जो फालतू के बहाने करते रहते हो। अब दे दो, हाफ एन आवर हो गया, अब जल्दी दे दो मेरे को फोन। मैंने क्या बोला? अब सिर्फ हाफ एन आवर के लिए मिला करेगा, बस बात आ गई समझ में? लाओ दे दो फोन, यू आर गुड बॉय नो, गिव। खा लो बैठ के। कैसा लग रहा है? टेस्टी है? अच्छा है ना? अच्छा है, बना दिया करूंगी। मम्मा ने खाई बेटा, मम्मा को स्मेल आ रही है आलू में से। ठीक है, आप ही हो ना, बहाने फालतू को बनाते हो। ये पकौड़े ही लग रहे हैं, ये तो मुझे वही लग रहा है। मैंने तो बोला कि ट्राई तो किया करो कोई चीज। वैसे है तो वो ये पकौड़ा नहीं है, बेसन नहीं डाला है मैंने इसमें। कैसा लग रहा है? खा ले खा ले खा ले खा ले। इतना गर्म है क्या? सॉस से ठंडा हो जाता है। अच्छा, देख लीजिए पूरा स्वाद ले रहे हैं। यार मेरे को देना खोलू। अरे यार इतनी हार्ड है, मैं टाइटली बंद किया था ना, दांत टूट गए। रुको रुको, आप छोड़ दो, मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी गैस रहेगी, पता निकल गई सारी। ये पी लिए। पी लिए नहीं, पी लीजिए, पी लो। ये तुम्हें शरबत लगेगा क्योंकि इसमें गैस वगैरह रही नहीं है। सही है, फैला वो कांच का ग्लास टूट जाएगा। चलो तुम पियो, मैं तब तक व्लॉग एंड करूँ। ठीक है, मस्त है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मम्मा को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज थोड़ी बहुत मैंने कुकिंग की है काफी दिनों के बाद, क्योंकि इनमें इन चीज़ों में थोड़ी कम स्मेल लगी मेरे को, तो मैंने नाक बंद करके बना दी। ज़्यादातर मुझे ये चावल रोटी इन चीज़ों में ज़्यादा स्मेल लगती है, सब्जी इन चीज़ों में। ये चीज़ें थोड़ी है टेस्टी। हाँ। ये मैंने दरअसल जो कॉर्नफ्लोर नहीं होता है, कॉर्नफ्लोर डाल के हल्की सी, वो तो गलती से हल्दी पड़ गई थी, वरना अलग ही टाइप का कलर होता है इनका। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था इसमें और ऐसे मिक्स करके नमक के साथ फ्राई कर दिए, तो बिल्कुल फ्राइज बन गए। बस वही है, मेरा मन तो चल रहा है बट वही है, मेरे को थोड़ी स्मेल लगती है आलू से, तो मैं नहीं खा रही। चलो बाय कर दो। बाय 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 गाय। अरे यार ये हटाओ। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।